हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो स्क्रीन देखा तुम को? ओके, तो आज हम स्टार्ट करियो। आज अच्छे मेटल एंड नॉन मेटल आज चैप्टर अच्छे से क्वेश्चन आ कर लगे नहीं डिस्कशन फर्स्ट पढ़े दिए तापर तो डिस्कशन करिया ठीक है सर। तो फर्स्ट पढ़े दबा तापर डिस्कशन कर दबा ठीक है ओके। तो गोटे काम करवा तो आज जेहेतु मेटाल एंड नॉन मेटाल अच्छे आज मेटाल आउ नॉन मेटाल पढ़ा हेनी पर पढ़ा हाँ आज पढ़ा हूँ गैस लॉ कौन गैस लॉ गोटे पढ़ दबा ठीक है तुम थ देख बिहेवियर ऑफ गैसेस बा गैस लॉ अच्छी कि नहीं यस सर। बस गैस लॉ पढ़ा मेटल नॉन मेटल नेक्स्ट क्लास पढ़ा ठीक है क्या छोट चैप्टर जल्दी सर जाए तेणु से आम बस कि डिस्कशन कर परिबा हमरो क्वेश्चन उड़ा को हला यस सर। ओके सो नाउ तो स्टार्ट करिबा तो हेडिंग दियो गैस बाय हेडिंग दियो बिहेवियर ऑफ गैसेस बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस हाँ देखो बिहेवियर ऑफ गैसेस तो बिहेवियर गैसेस रो फास्ट हमें देखिबा व्हाट इज बॉयल्स लॉ कौन देखिबा व्हाट इज बॉयल्स लॉ मत को बॉयल्स लॉ कौन व्हाट इज बॉयल्स लॉ ना बॉयल्स लॉ कौन कहू जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर At constant temperature, the volume of a definite mass, the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to the pressure. ठीक अच्छे तो ये कौन कहला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी केते बेला होबा ना जेतरा टेम्परेचर कोन रहबो ना कांस्टेंट रहबो बुझ पाल जेतरा टेम्परेचर कोन रहबो कांस्टेंट रहबो तो सेतरा योर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी और प्रेशर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर राइट दैट मींस आई कैन राइट हियर v बाय p इज व्हाट कांस्टेंट यस और नो आई कैन राइट लाइक दिस or I can write like this if I am taking two system suppose mo diida system nouchi ba for example gote ebe achi cylinder achi to cylinder ra first volume thila v1 pressure thila p1 or temperature hochi t kaina temperature hochi constant tapre jatra ei cylinder ku mo jatra ei piston eita kwa je piston boli kwa je eita kon kwa je piston आइटा कोन कहा जाए सिलिंडर तो जते एठी फोर्स देबी बा प्रेशर अप्लाई करबा फोर्स देबी तो फोर्स देला पर ये कोन पिस्टन तळु को आसीबो दैट मींस एठी गेसला यस और नो तो पिस्टन एठी गेसला पर तार वॉल्यूम कोन हिजबो ना सर v2 प्रेशर p2 एंड टेंपरेचर t यस और नो दैट मींस एट द सेम टाइम हियर यू कैन सी हियर वॉल्यूम
is decreasing, yes or no? Volume is decreasing, that's in V1, first quantity and adhika thila, V2 kon hichi, kom hichi, and pressure of the gas, kaina abhitara kon thila, gas thila, abhitara gas thila, to pressure of the gas initially kete thila P1, then after the compression, the pressure will be P2, yes or no? So I can write down V1 by P1 is equal to V2 by P2. So I can write like this. Hello? So eta ko ame kon kahiba na Boyle's law. Boyle's law kon kahuchi na jete bele volume kon hochi na hochi volume ta badhuchi to pressure kon hobo na hochi kamibo aur jete volume kamibo pressure kon hobo na increases boli ke hoba pressure hochi increases. Hello? Sir, the V1 by V2. That's it. Into a one, na sita. Sir, P B hobo sita. Understood. कांसेप्ट बुझ पाला कि नहीं कांसेप्ट ठीक अछि सिलेंडर केस टा बुझ पाला कि नहीं यस सर जे वॉल्यूम और प्रेशर कोन हिजो कांस्टेंट हिजो हला एबे ठीक अछि त माने v1 p1 इक्वल केते हिजो ना v2 p2 क्लियर दैट मींस v1 बाय v2 इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज p2 बाय p1 हला तो दैट मींस जतला वॉल्यूम कोन होबो ना डिक्रीज होबो सो द प्रेशर इंक्रीज होबो और जतला वॉल्यूम इंक्रीज होबो प्रेशर कोन हिजबो वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम सॉरी हां वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस राइट लेक्चर लाती की यस सर तब नेक्स्ट जीवा आउट लॉ होची कोन चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ कोन कहूची ना एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखिबा एंड एठी के एंड हियर volume is directly proportional to temperature right volume is directly proportional to temperature that means if volume increases that means temperature should be increases okay should be increases so like that v by t eti mu likhi paribi kon na v by t is equal to what constant yes or no to v by t constant kete bele na sir jete bele pressure kon hobo ना कांस्टेंट हो तमने कांस्टेंट है कौन की प्रेशर नहीं की तो माय इफ आई एम टेकिंग द टू सिस्टम हियर जैसे सेम थी दीटा सिस्टम ने भी तमने मैं टी कौन लिख परबी ना v1 बाय t1 इज इक्वल कौन लिख देबी ना v2 बाय t2 यस और नो तो ना प्रेशर को कांस्टेंट रखिले प्रेशर को कांस्टेंट रखी कि जदी हमें कौन करिवा ना वॉल्यूम को जदी इंक्रीज करचो ताले टेंपरेचर कौन हो इंक्रीज होबो और वॉल्यूम को जे डिक्रीज करचो टेंपरेचर कौन हिजबो डिक्रीज हिजबो बुझा लागे नै यस सर तो एटा हो जे हमर कौन ना चार्ल्स लॉ ता पर आउ गुटे लॉ अछि दैट इज नोन एज गे-लुसाक लॉ
के लुसाक ल कोन कहूची ना देखो से कहला जे एठी हमें कोन नबा ना फास्ट ककहा को कांस्टेंट नेले टेंपरेचर तापर प्रेशर को कांस्टेंट नेले तापर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट नबा ठीक अछि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओके सो हियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम p is directly proportional to t you have to remember p is directly proportional to t yes or no so that means p is directly proportional to t means I can write here p by t is how much now sir p by t of is constant yes or no if p by t is constant if I am taking the two points that is p1 by t1 is equal to kete hijibo na p2 by t2 jadi mo dui ta ko jadi kon nebi dui ta point jadi consider karibi dui ta system তাহলে মোর কোন আসিও না p1 by t1 equal to p2 by t2 ওকে সো এটি কোন হচ্ছে না এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম ভলিউম কা আমি কনস্ট্যান্ট রাখু যে দ্যাট মিন্স যদি তুমি কোন করছো না টেম্পারেচার কো ইনক্রিজ করছো এবং তোম প্রেসার কোন হচ্ছে না প্রেসার কোন হবে না ইনক্রিজ হবে এবং তুমি যে টেম্পারেচার কো ডিক্রিজ করছো প্রেসার ভি কোন হইবো প্রেসার ডিক্রিজেস ওকে সো দিস ইজ নোন এজ Gay-Lussac's law. Salla? Yes, sir. Agujiba? Okay. Yes, sir. Tapare ami likhiba, je what is Avogadro's gas law avogadro's gas law je avogadro's gas law kon what is avogadro's gas law na avogadro's gas law kon kouchi na sir at constant temperature and pressure ame kon rakhiba na temperature ko constant rakhiba aur pressure ko madhya kon rakhiba na constant rakhiba if I'll take temperature and pressure both are at constant then your volume is directly proportional to n what is n here na n is the number of molecules n is what number of moles number of moles n is what na n is the number of moles right so here v is volume is directly proportional to what na volume is directly proportional to n yes or no so amutale equation kon kon asila na first boyle's law ra ame janthile je pv equal to what constant ye gote equation mara asila equation number 1 au gote ta apra janithile ame je hochi v by t that is charles law v by t is equal to constant that is equation number 2 and ta par ame janithile je p by t is equal to what na constant ye hochi equation number 3 ta par ame janile avogadro's number that is v by n or you can say v is directly proportional to n that is equation number 4 okay so if you combine these four equation अच्छा दिस यू कैन राइट दिस इन दिस वे आपको हम एमती लिखिबा v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय t इक्वेशन नंबर 1 एंड v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t इक्वेशन नंबर 2 एंड आउट ऑफ p इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t दैट इज इक्वेशन नंबर 3 इफ यू कंबाइन दिस फोर इक्वेशन तमे कोन पाइबो ना हमें गोटे इक्वेशन पाइबा से इक्वेशन ना हो कौन ना पी भी इक्वल टू एन आर टी कौन पाइले ना पी भी इक्वल टू एन आर टी बुझेगा कि नहीं बेसिकली आमको ये फास्ट मिल पी भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी यस और नो देन फॉर द प्रोपोर्शनलिटी एन टी सॉरी पी भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन टी आमको ये मिल then for the proportionality pai amu gote constant use kariya padibo ise constant hochi r n t so that's why this equation become pv equal to n r t okay
Understood? So here, what is our pressure in this equation? That the pressure is P is the pressure. P is what pressure, and V is the volume. V is what volume. N is the number of moles. Number of mole. And what is R here? The R is the gas constant. R is what? Gas constant. Achha, R of value kete? Na sir, R of value ji 8.314 joule. Unit amon rakhiwa joule, Kelvin inverse and mole inverse. Hala? Aao jai tamai jadi aku हला तो ए जो इक्वेशन टा हमें कोन कहबे जानछ ए इक्वेशन टा होची आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एनआरटी ए इक्वेशन को हमें कोन कहबा ल आइडियल गैस इक्वेशन बुझ पाछ ये सर हला ये सर ओके लिबो जी है तब देखो तो हमें देखिबा होची तब नेक्स्ट हेडिंग दवा व्हाट इज आइडियल गैस ने देखो हम तमे जहां भी तमे गैस देखिया पहुचो दिस इज नॉट आइडियल गैस दिस ऑल आर द रियल गैस हमें जहां भी हमारा सराउंडिंग रे हमें जहां भी गैस देखिया पहुचे से गैस इज नॉट द आइडियल गैस सेडा का आइडियल गैस नु हो तो जे आइडियल गैस नु हो ताको हमें कोन कहिबा ना रियल गैस बोली कहिबा कोन कहिबा ना रियल गैस रियल गैस कहो कहिबा ना जे की रियल गैस का कहबे ना डज नॉट ओबे दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन जे पीवी इक्वल टू एनआरटी ओबे एनआरटी इक्वेशन को जे ओबे करु नथुओ तो ताको हमें कोन कहबा ना रियल गैस बोली कहबा दैट मींस इन रियल गैस पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी Yes or no? PV is not equal to NRT in case of real gas. Okay. But in case of ideal gas, what happened? In case of ideal gas, that is PV equal to NRT. All the ideal gas, okay, all the ideal gas obey PV equal to NRT equation. But our real life free, हमें जहां भी किसी गैस देखुजे से गैस उड़ा को उची कौन ना दिस गैसेस आर द रियल गैसेस हो गैसेस ना रियल गैसेस जे की कौन वे ना पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन माने नहीं बुझला कि नहीं बट रियल गैस को हमें आइडियल गैस को कन्वर्ट करी परिवा बुझवर से नहीं रियल गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस बट ता पे गोटे कंडीशन अछि कौन कंडीशन सर जे real gas can be converted into ideal gas but the condition is what is the condition the condition first condition kon kouchi na at a very low pressure at a very low pressure tapre three out a second condition kon kouchi na at a high temperature at a high temperature understood not? That means the real gas can be converted into ideal gas but real gas can be treated as ideal gas when kete bele na sir at a very low pressure and very high temperature understood not? Hello
So ethi mu gote jinsa kahi paribi, all the real gases can be ideal gases, but all the ideal gases cannot be real gases. Yes or no? Sabu real gas udako ideal gas ko ame convert kari paribe. So that means real gas udako sabu kon ideal gas hi paribe, but ideal gas not be a real gas. Understood or not? Yes, sir. Bujhela? Yes, sir. तो एटी कंडीशन दिना मन रखिबा रियल गैस आइडियल गैस बुझ पाला कि नहीं कोन तो हमर जहां भी एटमॉस्फेयर देखु जे दिस आर नॉट द रियल सॉरी आइडियल गैस दिस इज द रियल गैस अंडरस्टूड नॉट सो हमको एई एई जदी कंडीशन आ जदी ओबे करिबा देन रियल गैस कोन होबो ना आइडियल गैस को कन्वर्ट हेई परिबो बुझियाला ओके तो आपको लिखो उची तब देखो दीटा टॉर मन रखिबो ते गोटे अछि एसटीपी गोटे कोन अछि एसटीपी व्हाट इज एसटीपी ना एसटी होउची स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर मन रखिबो स्टैंडर्ड temperature and pressure standard temperature and pressure and what is NTP a normal normal temperature and pressure hello जदि मु लेखिबी एट एसटीपी मन रखिबो एट एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस तो एसटीपी रे वॉल्यूम केतो हबो ना सर वॉल्यूम हबो 22.4 लीटर मन रखिबो दैट इज 22,400 ml okay and pressure is what now 1 atmosphere pressure is 1 atmosphere means 76 cm of sg mercury or I can write down 760 mm of sg okay and what is temperature here 273 kelvin temperature ta kete na 273 kelvin clear to ye tin se likh diyo सला टिक टिक यस सर सलाह समझता हूँ रा ओके तो नेक्स्ट देखिए हमें व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
ना डिफ्यूजन गैसेस कौन कहोची ना द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस अंडरस्टूड ना कौन कहली बोला सुनो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस तमार गैस भीतर जो इंटरमिक्सिंग तो हमें कौन कहिबा ना डिफ्यूजन बोली कहिबा बुझवाला कि नहीं फॉर एग्जांपल देबी सपोज ये उड़े चैम्बर रे ए गैस अच्छी एठी उड़े बी गैस अच्छी ठीक अच्छे सपोज एठी नाइट्रोजन अच्छी ये कौन अच्छी ना ऑक्सीजन अच्छी तेबे जदी मु एही चैम्बर रे एटा डोर टा को जदी मु खुली देबी ताले नेक्स्ट टाइम रे नेक्स्ट जदी मु देखी भी ताले से साउंड सुबह जो नहीं हुई सर हेलो 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 यस सर हां एटा बुझ पाला कि नै कोन कहली एटा सुनाउतला जदी एठी ए जदी मु नाइट्रोजन देली एठी ऑक्सीजन देली त जदी मिसै देली ताले से माने कोन हेबे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिटा कोन हिजबे इंटरमिक्सिंग हिजबे कोन हिजबे ना इंटरमिक्सिंग हिजबे त से जे इंटरमिक्सिंग त हम कोन कहबा ना डिफ्यूजन बोली कहबा ठीक अछि त लेखिबे द प्रोसेस ऑफ The process of intermixing of gases irrespective of the density relationship density relationship and without the effect of external agency is called diffusion of gases ta ko ame kon kahiba na diffusion of gas boli kahiba jara ke nahi to example hechi ya तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस टा को हमें कौन कहिबा ना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बुझियाला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन यस सर तापर आसीबा होची देखियो तमे जो घरे जदी धूपगाठी जाळो से धूपगाठी तमे भी कौन पारना धर जो किसम पर तमे भी सेंटा जानि पारो कि नहीं केमे जानो ना सेठी भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होची फॉर एग्जांपल तमरो जो स्प्रे सेंट स्प्रे करचो सेठी भी कोन होजना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होजी काईना से सेंटा भी किसम पर तमे कोन करि पडचो स्मेल करि पडचो कि नै काई स्मेल करि पडचो काईना जो सेंट रो गैस और मॉलिक्यूल्स सेंट गैस रो जो मॉलिक्यूल्स गुडा को अछि से मॉलिक्यूल्स गुडा को कोन होचंदी ना होची डिफ्यूज होचंदी का से त ना एयर मॉलिक्यूल्स से त बा हमर एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स से त तो डिफ्यूजन है कि से माने कोन होजना तंबा को आछंदी तो आसे त तमे कोन करि पडचो ना से मन को स्मेल करि पडचो बुझला कि नै तो सेठी भी मध्ये डिफ्यूजन होउछ हला एसो एग्जांपल गुडा का तापर होची ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हेडिंग देयर लिस्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन व्हाट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कौन
सल्ला देखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कौन ना लिखी ना एट अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of gases are inversely proportional to square roots of their densities. Of their densities. Hala. Tar se kon kouchi na at constant temperature and pressure, the rate of diffusion of gases. Kon hochi na inversely proportional to the square root of their density. तो आपको हमें कौन कहिबा ना ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोली कहिबा हला फॉर एग्जांपल धर जे एठी तर जो तमरो सेंट रो बोतल अछि परफ्यूम दिस इज अ परफ्यूम और एठी कौन होची ना सेंट स्प्रे कराउ छी ठीक अछि This is my perfume. कौन टा? Perfume, right? तो ये अच्छी कौन है? Air molecules उड़ा का अच्छी air molecules. तो तम्मे जतर ऐठी scent टा spray करला, तो ये जो perfume रा molecules कौन है ला? ना perfume रा molecules कौन है ला? ना diffuse अब कहाँ सही तो? ना सर air molecules से तो diffuse अब. मुझे लगे नहीं? तमरे ये D टा gas है लगे नहीं? गोटे gas होची कौन? ना मोर एयर एटमॉस्फेयर जो गैस अछि एयर और एटमॉस्फेरिक गैस आ गुटे गैस होछि कोन ना परफ्यूम रो गैस आ गुटे कहार गैस ना सर परफ्यूम रो गैस ठीक अछि दु गुटे होछि परफ्यूम रो गैस आ गुटे होछि एटमॉस्फेरिक रो गैस ता माने परफ्यूम रो गैस रो रेट ऑफ डिफ्यूजन होछि सपोज R1 आ हमरो एटमॉस्फेरिक गैस रो रेट ऑफ डिफ्यूजन होछि कोन ना R2 क्लियर Now the densities. ताले densities कितने? ना suppose आरा density किसी थी वो perfume रो row one and air रो किसी density थी वो that is row two. Yes sir. Perfume gas molecules मानन करो. Perfume molecules रो किसी कौन थी वो density थी वो that is row one. आउ atmospheric gases रो किसी कौन थी वो ना density थी वो that is nothing but row two. Yes sir no. So now I can write down here. This R1 by R2, that means our definition कौन कहिला? But statement कौन कहुची? ना statement कहुची जे rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their densities. That means I can write down rate of diffusion of R1 is nothing but 1 by rho 1 रा root of yes or no? एटा कहाँ पाई? ना सर एटा होची perfume पाई. एडो जी कहां पई ना परफ्यूम पई यदि मो R2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/√2 लिखिबी √2 रो रूट ओवर एटा कहां पई लिखि रे ना एटमॉस्फेरिक गैसेस पई बुझे लगे नहीं ताहले मते को अकॉर्डिंग टू द गैस लॉ ऑफ डिफ्यूज सॉरी अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन व्हाट कैन आई राइट हियर This R1 by R2 is equal to more kaun likhi paribi na sir mu likhi paribi √2 by √1 yes or no are bujh palo ki nahi yes hala to emiti amara kaun hue na gas ta diffusion hue bujh parche nahi to rate of diffusion suppose tumako jodi question le pachari chota chota problem de dei thibo
परफ्यूम रो डेंसिटी दे दीथिबो और गैस रो डेंसिटी दे दीची रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दे दीची सो यू कैन फाइंड आउट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम यस और नो परफ्यूम रेट केते माने के परफ्यूम रो रेट ऑफ डिफ्यूजन तमे कैलकुलेट कर परियो ना कर परियो नी कर परियो बुझला चलो आपको हमें कौन कहवा ना ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सला समस्त बुझी पार्चटी एउटा क आज बहुत इजी चैप्टर टा छ बुझी हो तो किछ कष्ट न चंदन निहार ए सर निहार गलो कडे ए सर बुझियोस त ए सर खुशी खुशी ए सर बुझी पार्च त यस सर ओके तो ता पर हमें नेक्स्ट सीबा ना व्हाट इज हीट रिएक्शन हीट रिएक्शन कौन ओके तो हीट रिएक्शन कौन ना जदि गोटे रिएक्शन रु हम कौन बाहर ना कि एनर्जी बा किसी हिट बाहर किट आमको दबाव पड़ी तो हमें कौन कहवा ना हिट रिएक्शन बोली कह सर नो तमें केमिकल रिएक्शन जब चेंज इन हिट जदि आम हो मानने इक्वेशन को बालांस करने देन ताको आम कौन कहवा ना हिट रिएक्शन बोली कहवा हिट अफ रिएक्शन बोली कह कौन कहवा ना हिट अफ रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन हला तो हीट ऑफ रिएक्शन हमें का कहिबा ना सपोज कार्बन प्लस सपोज ऑक्सीजन कौन दबो ना कार्बन डाइऑक्साइड सर कार्बन टा होची गुटे कौन सॉलिड ऑक्सीजन टा होची गुटे कौन गैस एंड आमको दब हूँ कौन दौर कौन ना गैस दौर डेलेज के चेंज इन हिट चेंज इन हिट डेलेज इज व्हाट ना चेंज इन हिट तम हिट के चेंज है ना मन रख माइनस 393.5 किलो जूल आउट एग्जांपल सपोज मिथेन सी एच फोर मिथेन टा हूँ कौन मोर गैस प्लस टू ओ टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी कौन मोर गैस दब कौन आमको ना सर सीओ टू जोटा कि एगेन गैस प्लस दब हूँ वाटर दीटा वाटर दब वाटर मॉलिक्यूल्स जोटा कि हूँ कौन ना लिक्विड तो ये डेलेस चेंज इन हिट के ना दैट इज माइनस 890.3 किलो सो बुझेगा कि नहीं तो ये आसला हूँ कौ प्रोसेस ना गोटे हूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैं हिट रिएक्शन हूँ दि प्रकार हुए गोटे हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गोटे हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन ओके तो फास्ट हमें देखा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन ना इफ हिट इज रिलीज्ड इफ If heat is released during chemical reaction, it is called exothermic. It is called exothermic reaction. It is called
एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताको हमें कौन कहबा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले कहबा तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे जो चेंज इन हीट तमने मु लिखि परबी इन दिस रिएक्शन In this reaction, the change in heat, that is del H, is negative. Is what? Negative. Mon rakhiwa kon? Na negative. Bujhiya lagi nahi? For example, see ekka example carbon jota ki solid plus oxygen jota ki gas. मिसला पर तुमको दो छि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो ए गैस बट हाउ मच डेल एच हियर चेंज इन हीट सो चेंज इन हीट इज नथिंग बट 393.5 किलो जूल सो एठी नेगेटिव आसला कि नहीं देखो नेगेटिव आसी तो नेगेटिव कोन पई ना बिकॉज़ एठी कोन होची ना हीट इज रिलीज्ड दैट मींस ए रिएक्शन द्वारा हीट कोन होची ना रिलीज होची तने ए एटा भी उटा कोन एक्सोथर्मिक कि नहीं ये जो रिएक्शन था ये भी रिएक्शन वोटे कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मन रख दे दीटा को रिएक्शन मन रख एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो जो रिएक्शन लो हीट बाहर उठबो ताको हम कौन कहबा ना एक्सोथर्मिक हला तापर आसीबा जो आउटे रिएक्शन जोटा की अच्छा ये तो गला गोटे एक्सोथर्मिक आउ गोटे एक्सोथर्मिक एग्जांपल गोटे दे देबा ना कौन आउ गोटे एक्सोथर्मिक एग्जांपल कौन हबो ना मर हबो हबो होची कौन ना हां H2 होची कौन ना दैट इज गैस प्लस हाफ O2 व्हिच इज आल्सो ए गैस सो तबो तमको कौन ना H2O व्हिच इज ए लिक्विड तो ए केस रे कहिलो मते चेंज इन हीट केते ना -286 किलो बुझला कि नहीं तो एठी भी कौन होची ना सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होची बुझला ए सर तो लिखि सल्ला मु लिभे बेटा को तापे लिखियो छ एंडोथर्मिक ए सर तो एंडोथर्मिक कोन एठी एक्सोथर्मिक हीट रिलीज सेठी कोन करियो ना हीट अब्सॉर्ब करियो डिफरेंस होछ या सेठी एंडोथर्मिक रे कोन करछि ना हीट कोन करियो ना अब्सॉर्ब करियो त नामे जिबा होछ एंडोथर्मिक पाकु को सेकेंड रे हमर थिला होची एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन रे हमर कोन हबो ना इफ हीट इज अब्सॉर्ब इफ हीट इज अब्सॉर्ब during chemical reaction the reaction is called endothermic reaction तको म कोन कहबा ना एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल कर एग्जांपल कोन ना सर एग्जांपल होची कार्बन जोटा की सॉलिड प्लस वाटर जोटा की लिक्विड मिसले तमो कोन दबो ना सर CO जोटा की होची गैस प्लस तमो दउची हाइड्रोजन गैस दैट इज आल्सो ए गैस बट ए केस रे जो चेंज इन हीट जो आसीबो से चेंज इन हीट आसीबो कोन ना पॉजिटिव रे कोतरे आसीबो पॉजिटिव रे तो केते आसीबो पॉजिटिव 131.2 किलो जूल Understood not? That means in this reaction, comma the change in heat is how much? Now the change in heat that is del H is positive. Is called positive. Okay. For example, nitrogen. जोटा हूँ गैस प्लस ऑक्सीजन जोटा कि आहरी गोटे गैस तो ये दीटा जो कौन हम ना मिसीबो तुम पाइबा कौन ना टू ए नुओ कौन पाइबा टू ए नुओ व्हिच इज आल्सो ए गैस
but it is change in heat kete del s kete na sir 180 kJ kon 180 kJ hala to eta ame kon kahiba na endothermic reaction boli kahiba jo tare amku heat dabaku padibo सला पिला माने यस सर ओके तापर हमें देखिबा टिके कोन आ ओटे दिटा जिंस रहला डाल्टनस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट हेडिंग दियो डाल्टनस लॉ ऑफ partial pressure na dalton's law of partial pressure kon kauj dekho na dalton's law of partial pressure kon kauji na jodi mo pakhare bahut ude gas achi mane gases of mixture ba mixture of gases sorry mixture of gases achi thik achi to mixture of gases achi mane to sabu gas manankar kon thibo na different different kon thibo पार्शियल प्रेशर थी कौन थी वो पार्शियल प्रेशर थी वो से को जो टोटल प्रेशर कौन हो वो ना टोटल प्रेशर टा कौन हो वो ना सेमानं करो पार्शियल प्रेशर का सॉम हो वो कौन हो वो पार्शियल प्रेशर का कौन हो वो ना सॉम हो वो तो ये पार्शियल इट स्टेज डेट इफ टू और मोर gases which do not react chemically are enclosed in a vessel the total pressure the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gas which exert pressure when enclosed when enclosed separately in the same vessel at constant temperature तार जदि मो पाखरे तीनटा गैस अछि एवं तीनटा गैस कर पार्शियल प्रेशर होछि p1 कमा p2 कमा p3 ताले टोटल प्रेशर केते हि जीवो ना सर सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर p1 p2 p3 प्लस जदि आउरी गैस थियो एक डॉट 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 हि चलिबो तो आको हमें कोन कहिबा ना पार्शियल प्रेशर बोली कहबा डाल्टनस लॉ पार्शियल प्रेशर बोली कहते बुझला तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ partial pressure of the their respective gases
हला यस सर ओके तबे क्वेश्चन आबे करिया आबे क्वेश्चन करिवा तो तमार सला ला गैस ला एति ही थिला और किछ विशेष नाही बहुत ले जेते छोटा चैप्टर टे तो क्वेश्चन आबे डिस्कशन करे मटेरियल टाइम टिके दियो खाली 2 मिनट 5 मिनट पर क्वेश्चन आउ नहीं जाय खाली से ठीक हैला तो तम माने क्वेश्चन करू थाओ हमें एसिड बेस सॉल्ट सरी थला तो कार्बन हाइड्रोकार्बन सब वाटर ग्लास सीमेंट रो वाटर ग्लास सीमेंट दैट इज सिंथेटिक मटेरियल बेसिकली क्वेश्चन उडा गछि से उडा सब डिस्कशन करिवा हला तो फर्स्ट आसीबा होची हाइड्रोकार्बन्स पाको को तो समस्त हाइड्रोकार्बन्स टा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टा को ऑन करो देखाला समस्त क्वेश्चन ए सर ठीक कर लो तो एक नंबर डा फोर हो द डीटा ब्यूटेन एंड टू मिथाइल प्रोपेन Just wait. Okay. The first question, कौन कही थी?
ना तो आइसोमेरिक पेयर इज आइसोमेरिक पेयर होची कोन ना आइसोमेरिक पेयर होची कोन हमरो ब्यूटेन केमिकल आउ 2 मिथाइल प्रोपेन कोडा हो ब्यूटेन आउ 2 मिथाइल प्रोपेन हला आइसोमेरिक पेयर तब नेक्स्ट पेशेंट अप क्लास रे अच्छी क्लास रे हाँ और बड़े आस्तीन तो बोलूँगा हाँ ना हेलो हाँ ओटीपीटा लेको अच्छी 7115 08 7115 08 ओके सर ओके सर ओके तो हम जीवा होची कोन कहला हां कोर्सले हमें हां तले कोडा हबो आइसोमेरिक पेयर कोडा हबो ना ब्यूटेन टू मिथाइल अच्छा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथाइनिक एसिड इथेनॉल को इथाइनिक एसिड को कन्वर्ट करिया पे कोन यूज करा जाय कोन करा जाय एटा देख ये गोटे अल्कालाइन KMn4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 आउ एसिडिक क्रोमियम K2Cr2O7 ए सब गुडा को यूज करा जाए कोन पई ना इथेनॉल को इथाइनिक एसिड को कोन करिया पे ना ऑक्सीडाइज करिया पे तो हबो कोन ना ऑल द एबव कोन हबो ऑल द एबव हला तबर क्वेश्चन नंबर 3 कहला व्हिच इज ए डीनेचुरेटेड स्पिरिट denatured spirit hochi ke mon rakhibo denatured spirit hochi ethanol and methanol 5% ethanol or methanol kete percent thibo ta 5% hala tapra next question tos dekho eta tike high mane high quality ra question uda tike achi kahi ki achi na diya hai chi kahi ki na देख प्राय तो मेन क्वेश्चन तो तुम सब बही फहर सल्व करदे बहुत इजी इजी क्वेश्चन बट डिफिकल्ट क्वेश्चन गुडा सल्व कर मन रखा ट्राए कर है टर्सीयरी ब्यूटेन गेट्स ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक के अल्कालाइन KMnO4 जो आम टर्सीयरी ब्यूटेन अच्छी से ऑक्सीडाइज हम कह सहित ना को एजेंट सहित लाइक या सहित है बुझेगा कि नहीं तो ऑक्सीडाइज है कौन कौटि कन्वर्ट हबो ना सर ऑक्सीडाइज हेला परे कोडी कन्वर्ट हबो ना टर ब्यूटाइल अल्कोहल कौन दबो हमको टर ब्यूटाइल अल्कोहल मन रखिबो टर ब्यूटाइल अल्कोहल तबर कोई तो सब्सटेंस नॉट रिस्पोंसिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज को सब्सटेंस टा रिस्पोंसिबल न हो कौन पाई ना हार्डनेस ऑफ द वाटर पाई के नो रिस्पोंसिबल sodium nitrate mon rakhibo sodium nitrate is not responsible for the hardness of the water but au jeti ki rahile ta mane ei question nu tumako ek sub jinso mon rakhiba padibo jo calcium carbonate au the magnesium carbonate these are the responsible for hardness of the water bujhala ki nahi tar mate ko hardness of the water pai ke responsible mon rakhibo calcium bicarbonate सल्फाइड ओके वेरी गुड मैग्नीशियम आउ जे मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हला तब क्वेश्चन नंबर 6 द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इज सोप रो बाय प्रोडक्ट कोन ग्लिसरॉल एटा जानथिया कथा सोप रो बाय प्रोडक्ट होची ग्लिसरॉल
तापर कोई ची कोला कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कोई ची ना कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बस सेवेन नंबर कौन हो बताले ना 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 कोवेलेंट कंपाउंड्स पर चाची बा कोवेलेंट कंपाउंड्स कितने तैयारी है बे ना जित्ते वाले आर फॉर्म जित्ते वाले से माने इलेक्ट्रॉन कौन करीबे शेयरिंग करीबे छत्रा जाइए से कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन करीबे ना तैयारी करीबे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोई थी कि नहीं नोट yes. देखिलो टिके कौन कोई थी जतरे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी थी कोई थी अरे बुझ पर तो ही नहीं यस सर कोवेलेंट बॉन्ड सेटा थिला एटा जे कोवेलेंट कंपाउंड्स तो कोवेलेंट कंपाउंड्स केतला फॉर्मेशन होवे ना जत्ते बेले तांको भितरे इलेक्ट्रॉन कोन हबो शेयरिंग हबो त माने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ठीक अछि ता पर देखो विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ विनेगर होची कार कार सॉल्यूशन एसिटिक एसिड विनेगर होची एसिटिक एसिड इन वाटर त माने केते परसेंट है मन रखिबो 15-20% मन रखिबो एटा केते 15-20% हला ना 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 सॉरी 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 एक्सट्रीम शेप नॉट 15-20% इट्स अ 5-8% थाए अधिक ना 15-20 अधिक आइ होची केते थाए 5-8% एसिडिक एसिड इन वाटर राइट केते परसेंट थाए 5-8% थाए हला तापर कोन कहि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल पई कोटा यूज करा जाए मन रखियो ऑल द अबव मिथाइल अल्कोहल भी यूज करा जाए पिरिडिन्स यूज करा जाए कॉपर सल्फेट भी यूज करा जाए हला त कोन होबाटा ऑल द अबव क्वेश्चन नंबर 10 रे बहुत थरो क्वेश्चन आसी बहुत थरो इंपोर्टेंट बहुत थरो क्वेश्चन आसी soap are formed by saponification of kon jo soap jo formation kara soap mane jo sabon sabon jo formation kara hoche ko reaction saponification reaction to saponification reaction kon use kara hoche mon rakhibo simple esters hala बुझला कि नहीं ये सर ओके सो सैपोनिफिकेशन टा कौन कहलो ना सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम अल्कली एंड फैट मन रखिबो अल्कली एंड फैट सैपोनिफिकेशन टा कौन ना मेकिंग सोप फ्रॉम अल्कली एंड फैट फैट और ऑयल तो अल्कली और फैट ऑयल कौन तैयारी करा जाए मन रखियो तैयारी करा जाए कौन ना होची हमरो सोप ठीक अछि आज्ञा सर आज्ञा सर नमस्कार
ओके अच्छा तापर कोन कहिछि 11 टा कोन होबो द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल द अबव हेलो हेलो सर हाँ हेलो तो कौन कहला ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देख कौन कौन देछि लिपिड्स देछि न्यूक्लिक एसिड देछि देन कार्बोहाइड्रेट्स देछि हला तो देख यदि कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड आउ मध्य रहला यदि प्रोटीन एटी आउ गुटे यदि ऑप्शन थिबो कौन ना मन रखियो प्रोटीन्स हला प्रोटीन्स हला तो ये सब कौतर जीव ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एटा कोन हो ऑल द अबव हला कोन हो ऑल द अबव अरे बुझ पालो कि नहीं ये सर आप प्रोफेशन हम बॉडी रे केते कार्बन परसेंटेज अछि हां कहिछि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी मन रखिबो 18 टू 19 परसेंटेज केता हबो द कार्बन परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी इज 18 टू परसेंटेज ठीक अछि त तापर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तापर क्वेश्चन टा करो कार्बन इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑर्गेनिक लाइफ तो कह जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कार्बन कार्बन पे ट्रू स्टेटमेंट टा कोन तो कहला जे होची व्हिच ऑफ द कार्बन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एटा ठीक कैना कार्बोहाइड्रेट रे कार्बन ही थाए जोटा कि मेन कंपोनेंट सी सेटा तापर कहले कार्बन इज ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग ऑब्वियसली लिविंग बीइंग पई कार्बन निहति दरकार ए तो ऊपर तो हमें गोटे क्वेश्चन करिक आसले 18 टू 19% कार्बन थाए कोडी ना ह्यूमन बॉडी रे ठीक अछि तापर कहला कोन ना कार्बन इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑर्गेनिक लाइफ तो विदाउट कार्बन हमर बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक हेई परिबो नाही माने हमर माने सब किछि ये हि जवन विदाउट कार्बन वी कैन नॉट लिव तेनो से कहला जे हुई स्टेट सब स्टेटमेंट ठीक अछि नहीं तेरा कोन हबो ऑल द अबव कोन हबो ऑल द अबव बुझबा लागि नहीं यस सर तो क्वेश्चन ऑफ 14 कोन कहै छी ना इन द एटमॉस्फेयर कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन केमदी फॉर्म हे कि थाए कार्बन डाइऑक्साइड कि नेटा बहुत इजी क्वेश्चन कोन हबो कार्बन डाइऑक्साइड अरे CO2 फॉर्मेशन हे कि थाए ने कार्बन डा एटमॉस्फेयर रे यस सर हला
तापरे जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट व्हाट इज द टोटल परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर केते 0.04 परसेंटेज एटा डायरेक्ट जानथिया कथा तापर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आर व्हाट डायमंड कोन एटा डायमंड हो कि नहीं यस सर ना ना से पचार छी सॉरी सॉरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पचार छी तो कार्बन कंपाउंड्स आर कोडा हो चारकल कोडा हो चारकल डायमंड डा भी कार्बन कंपाउंड नो ना कार्बन ना एलोट्रोप एटा एलोट्रोप कार्बन नो एलोट्रोप ना कार्बन नो सेटा यस सर हला अच्छा किंतु प्योर कार्बन रे के बनि जानछ पूरा टोटली प्योर कार्बन रे बनि जे होछि डायमंड किंतु कार्बन एलोट्रोपी फॉर्म डा होछि डायमंड गोटे बट से कहि छि द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आर तो कार्बन कंपाउंड्स ऑब्वियसली कोन हो चारकल ही हो हला तब कहि छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आकेदा कोटा कार्बन कंपाउंड्स नु हो मु कोन लिपिड्स हो न्यूक्लियस रे कार्य पूर्ववा करि गेले क्वेश्चन रिपीट हि जेटा हो कि नहीं अरे yes, लिपिड थिला न्यूक्लिक एसिड थिला कार्बोहाइड्रेट थिला विटामिन्स मु कहिथिले कि कहि नथिली तो कोन बैठी विटामिन्स तो विटामिन्स इज नॉट ए कार्बन कंपाउंड्स लिपिड्स गुडे कार्बन कंपाउंड्स न्यूक्लिक एसिड गुडे कार्बन कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट गुडे कार्बन कंपाउंड्स आउडे सेटी कोन लेखिथिली गुटे मन रखियो बोली कि अरे सेटी साइट रे लेखिली नि आ गुटे अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कार्बन साइकिल तो कार्बन साइकिल में कोटा ट्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल एटा ठीक अछि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल हला रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल नॉन ऑफ द कोडा हो एटा हो एटा ही हो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द पार्ट्स ऑफ द कार्बन साइकिल हला अच्छा तापर क्वेश्चन दे छि जे माने ये पचार छि माने तुम केठी वैल्यू लेखिवार छि ऑप्शन देनी एटा हला से कहि छि डेस इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिक फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज एटा कोन बताले कार्बन कोन हो कार्बन कार्बन द कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिक फॉर माने लिविंग ऑर्गेनिजम पई हमो कोन दरकार कार्बन ही दरकार कि नहीं जोडा कोन हबो कार्बन बुझियाला तबरा माने जीवा नेक्स्ट कहि छि नेक्स्ट कहला कोवेलेंट कोन कहला ना कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कि नहीं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तबर कहले द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स द वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोन को जे एल्किन्स एल्किन्स कोन को जे एल्किन्स तबर कहला द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कलाइन अल्कलाइन का जनरल फार्मूला CN H2N minus 2 yes or no yes sir तापर कहला ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन व्हिच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय द CH2 ग्रुप इज कॉल्ड ए
alkane ba homologous series ka kon ka je homologous series homologous series homologous series kon ka je dako na homologous series tapra koi 24 question these are sweet smelling substance which are used in making perfume kon use kara je making perfume pai कोना क्या ईस्टर कोना ईस्टर्स हैला यस अच्छा तापरे कोई ची ये हाइड्रोकार्बन है फोर कार्बन आटम कितना कार्बन आटम अच्छी चार्टा कार्बन आटम गिव इट्स मॉलेक्युलर फॉर्मूला If it is an alkene koi chhi tale kota hobo chatta carbon achi to alkene lo kon cn h2n ki nahi to n ta hochi kete 4 to n ta jodi 4 hi jibo ta mane c4 h8 kon hela c4 h8 alkene koi chhi na kon koi chhi alkene pai kon cn h2n ho ki nahi to n ta hochi 4 ताले कौन है जीवो C4H8 बुझेला ये सर तब रखो जी तो नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज पेंटेन का नंबर ऑफ आइसोमर कितना ना जी तीन टा आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज 3 हाँ टू मिथाइल है जीवो प्रोपेन Which of the following belongs to homologous series of alkenes? आंका भी तो कोई था homologous series of alkenes. CN H2N minus one ना हो. हाँ ये पे जोड़ा मैं पढ़ लेगी नहीं ऊपर जोड़ा कोई नहीं. Alkenes लवे तीन टा जो triple bond. Alkenes कोई चीज़ alkenes को ले कौन आवा? तीन नीटा carbon होई वो. तामने C3 H4 हला C3H4 CnH2n minus 2 हाँ तापर कोयला हो जी इथानॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स इथानॉल डा जतल कंप्लीट ऑक्सीडेशन है जो कौन दबा हम को एसिड इथेनोइक एसिड बस इत ना ना एसिटिक एसिड कौन पे दबा से कोई जी इथानॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इथेनॉल डा जतले कंप्लीट ऑक्सीडेशन हबो तमो कोन दबो ना ऑक्सीजन हे सला परे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दबो कोन दबो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कोन रखिबो कोन दबो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हला तापर कहिछि एडिशन रिएक्शन R undergoes by addition reaction. What do you mean addition reaction? Both alkenes and alkynes. Hello. Addition reaction is alkenes and alkynes. Tapre question number 30. Last question. Kaun koi ji? Diamond re hexagonal are. Hexagonal. Se koi ji, in diamond, each carbon atom is bounded to four other carbon atoms. Mane ei bolia ki nahi? Dekho no. Hexagonal kemti asibo? Diamond ro dekhi na. To diamond ta ote ring structure ki nahi? To diamond is a ring structure. Dekho note dekho. Padhai thili mu. Ethi ote carbon, ethi carbon, ethi carbon like thibo. Mane tree structure bolia. Puni ethi carbon, carbon, carbon. पुनी एठी कार्बन 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 पुनी एठी भी केतरा कार्बन 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 पुनी एठी कार्बन 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 एमती कि नहीं तेरा कौन हबो ए रिजिड थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर कौन हबो ए रिजिड थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर हला ए जो देची ए स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल फुटबॉल रो स्ट्रक्चर कोटा पढ़ेतली C60
फ्यूनेरल हां अब हेक्सागोनल टा कहां रो ग्राफाइट कहां रहता ग्राफाइट मन रखिबो और रिजिड 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर उची कहां रो बा जदी एठी देछो ट्री स्ट्रक्चर मन रखिबो आउटे जदी ऑप्शन दे दिथिबो ट्री स्ट्रक्चर जदी दे दिथि से भी की होबो ना होची डायमंड ही होबो हला ये सर ओके तापर नेक्स्ट आउटे कोडा रहला ए वाटर सीमेंट ग्लास टा हां सेटा रोट के 5 मिनट टाइम टेम नहीं जाय टिके लैपटॉप को जा फाइव फर्स्ट क्वेश्चन कौन हबो देखो यस सर टेफ्लॉन कोकला व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग द नॉनस्टिक किचन वेयर नॉनस्टिक किचन पे में कौन यूज करा जे ना टेफ्लॉन यूज करा जे हला तापर कहिची नेम ऑफ द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास कहितली पढ़ितली लेक्सन माने पड़ती नहीं यस सर रे पढ़ितली लेक्सन ग्लास पढ़ितली ना नहीं लेक्सन बोली कहितली एटा बुलेट प्रूफ जत पढ़ितली हला यस अच्छा तापर कोन कहिची अच्छा पाइप इन्सुलेशन पे कोडा यूज करा जे पीवीसी कोडा हो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एटा डायरेक्ट क्वेश्चन तापर कहिची नेम ऑफ द पॉलीमर व्हिच हैव द स्ट्रांग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहाँ रहा स्ट्रॉंग इंटरनल मॉलेक्युलर फोर्सेस अच्छी उड़ा बो पॉलिस्टर पॉलिस्टर अब कौन अब पॉलिस्टर पॉलिस्टर देखा पॉलिस्टर भी यही परी वो आउ गुटे अच्छी कौन नाइलन नाइलन भी नाइलन जो नाइलन आउट हो ची पॉलिस्टर डी टा मन रखियो हला पॉलिस्टर भी परिबो आउट कोन हि परिबो नाइलन भी हि परिबो हला तर कोटा हला पॉलिस्टर जोटा कि सबटर अधिक माने स्ट्रांग बॉन्ड थाए तापर कहि छी सोडा बोतल आर मेड ऑफ सोडा बोतल का कोतरे मेड हि थाए मन लखिबो
polyethylene terephthalate koda abo fast eta koda abo a bujhela eta khali konna eta dei ditle question khali eta jeti koda question e ghosi pura pani kar dabo tar na uda khali mon rakhibo hala tapara kon kai chi ତେଣୁ ଯେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରବର ପାଇଁ କୋଉଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ କଣ ହବ ଏଟା Name of the synthetic polymer that resembles like natural rubber. Neoprene. Tapra kichi name of the thermoplastic polymer. Kon hobo? Polystyrene eta nahi polythene. Thermoplastic polymer kichi. थर्मोप्लास्टिक पॉली देखो पॉलीथीन आउट हो जी पॉली विनाइल क्लोराइड एडो सब हो जी कौन एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जति सब रहिला कोडा वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रखियो मेलामिन कौन हम मेलामिन अच्छा इटा को मेकिंग द रूफ्स इटा डायरेक्ट क्वेश्चन कौन डा पॉलीप्रोपीन कोई थी लेटा तब पर नेम द कंडेंसेशन पॉलीमर कौन हम बेकलाइट backlight kon hobo backlight tapre condensation polymer dichna condensation polymer backlight kon pai hobo तो कोड़ा हबो नेम ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर कोड़ा हबो बैकलाइट ठीक अछि एटा तापर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम व्हिच पॉलीमर इज मेड इज नोन एज कोन त कोन को आजे मोनोमर्स आको जे मोनोमर्स कोन कहबो मोनोमर्स तो मोनोमर्स का को जे मन रखियो द रिपीटिंग यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम व्हिच पॉलीमर इज मेड ऑफ इज नोन एज व्हाट मोनोमर्स तापर कहि छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज कोटा होने आ भीतर कहलो कोड़ा हबो केमिकल चेंज कोड़ा देखो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर एटा केमिकल चेंज फर्मेंटेशन ऑफ सुगर केन जूस एटा भी गोटे केमिकल चेंज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये भी गोटे कौन केमिकल चेंज
आउटे कहते क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एटा ओटे केमिकल चेंज केटा ओटे केमिकल चेंज नुहो कोडा आबो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर अच्छा तापरे commercially sodium bicarbonate is known as sodium bicarbonate kon kwa jae baking soda baking soda tapre acetyl salicylic acid is commonly used as aspirin aspirin means pain clear pe use kara jae yes sir अच्छा को गैस टा रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा तापर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट बॉक्साइड हाँ कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडा कोडा बेटा कॉमन सॉल्ट रा सोर्स के एडा होची कॉमन सॉल्ट को हमें कोन कोआजे सोडियम क्लोराइड की नहीं कोन कोआजे सोडियम क्लोराइड बोली कोआजे सोडियम क्लोराइड होची कोन NaCl बाकी नहीं NaCl आउट होची इनटू 2H2O वाटर भी वाटर मॉलिक्यूल भी दीटा आस्थाय हैला एको कोआजे कोन हैलाइड बोली कोआजे हैलाइड हैला आउट जो एचयू नहीं ना तो जो कोडला बॉक्साइट ओडा बॉक्साइट के होची कोन कहले सेटा होची एल्युमिनियम ऑक्साइड यस कोन कह जे एल्युमिनियम ऑक्साइड हैला अच्छी ओर रे सर पढा हो हां L2O3 इनटू NH2O एडा होची एल्युमिनियम ऑक्साइड हैला तापर आउट जो अछि एठी आउट थिबो पिरिट पिरिटा कोन कहलो पिरिटा होची तमरो होची आयरन सल्फाइड मन रखियो कोन आयरन सल्फाइड तो आयरन सल्फाइड कोन तार केमिकल फार्मूला होची FeSO2 FeS2 हला और कैल्साइट कैल्साइट होची कोन कहला कैल्शियम कार्बोनेट हला कैल्साइट होची ओ अरे साइंटिफिक नेम होची कॉल कैल्शियम कार्बोनेट मन रखियो CaCO3 हला आ एटा तले कोन हबो हैलाइड हबो NaCl जोटा हला ता पर क्वेश्चन मीथेन कि नहीं कोन था एठी मीथेन था ता पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास कोडा सैंड सिलिकेट सोडियम सिलिकेट हां सैंड आओ इज नॉट ए रॉ मेटल पचाच लाइमस्टोन क्ले तो यूज हुए जिप्सम टा को स्लो डाउन करिया पई जिप्सम टा यूज है को तरह ग्लास रे यूज है ना सीमेंट रे सर हां तल कोडा आबो
ग्लास ग्लास सैंड सोडियम सिलिकेट लाइमस्टोन यूज जिप्सम यूज करा जाए नहीं तापर निक्रोम हैव कौन अब लो मेल्टिंग पॉइंट निक्रोम हैव अच्छा निक्रोम डा कहाँ कोई नहीं तैयारी थे कोई परियो निक्रोम डा हो ची मान रखी बॉब तुमरो ची निकेल क्रोमियम ऑस क्रोमियम निकेल प्लस क्रोमियम है ना तो ये कौन था मन रखियो लो मेल्टिंग पॉइंट कौन हम लो मेल्टिंग पॉइंट तापर कह पीएच ऑफ कहाँ कहा पीएच ऑफ सीमेंट सीमेंट रहा पीएच कितने पीएच ऑफ सीमेंट होची मन रखियो जेहेतु एटा होची कौन अस तो ऑप्शन रेडी गोलमाल कराई कि दिया ही जी एटा एक्चुअली हवा था 12 टू 13.8 है ना तो तुम्हें कोडा मारियो ना होची 13.58 आ कोडा वो ऑप्शन सी कोडा वो ऑप्शन सी है ना अच्छा तापर कोई ची डीप ब्लू कलर केमती हवा कोयला डीप ब्लू कलर ऑफ क्या ग्लास कहा पाई कोबाल्ट ऑक्साइड कहा पाई कोबाल्ट ऑक्साइड सर कोबाल्ट ऑक्साइड तब डीप ब्लैक हो डीप ब्लू टा मु कौन कही थी सेठी डीप ब्लू सर किसी कौन है सेठा कोबाल्ट ऑक्साइड टा कोई थे लो डीप ब्लैक कोई थे कोबाल्ट ऑक्साइड ना तो ये सर कि मु भूल ये सर मु भूल लग रही है डीप ब्लू कलर हम होची कोबाल्ट ऑक्साइड यस सर यस हां हला हां तो सल्ला है कि गैस रो जति क्वेश्चन हम आज पठे देबी ठीक अछि यस सर तो भेटिवा नेक्स्ट क्लास तो किछ जे डाउट थियो पछरियो नेक्स्ट क्लास हला यस सर लीव ही जा ना सर चार जन अच्छे ना यही थी कौन आने चार जन हैं कि आमिर का बोलो तो एक लड़का कैंसर दिए गलत बोले चंदन बोली है चंदन मैं कौन जानता हूँ ना क्या साउंड है कौन हाँ सेबी उधर आज साउंड से क्या आज असल अपनी पढ़ा ला संग संग अपने भी ऐसे नहीं चुनी किधर है कंप्लीट है यार इससे सी इसे तो ना लॉकडाउन